ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न मास्टर ब्लास्टर से इतना डरते थे कि सचिन उनके सपनों में आने लगे थे। जिस अख्तर के आगे दूसरे बल्लेबाज अपने पैर भी नहीं हिला पाते थे, उसी अख्तर को सचिन सिर्फ पंजों पर खड़े होकर छक्के लगाते थे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का YouTube चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। वो सचिन ही थे जिन्होंने अपने करियर में दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलरों का सामना किया, फिर चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो या फिर मैगरा और अख्तर, सचिन किसी से नहीं डरते थे। सचिन के खौफ का ऐसा ही एक किस्सा 1 मार्च 2003 का है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2003 वर्ल्ड कप का लीग मैच खेला जा रहा था। इस मैच का क्रेज इतना ज्यादा था कि पूरा देश उस दिन छुट्टी पर था और टीवी स्क्रीन के सामने पूरे इंतजाम से बैठा था। दोनों ही टीमें ड्रेसिंग रूम में इस मैच का प्रेशर कम करने के लिए अलग अलग चीजें कर रही थी। सचिन तेंदुलकर तो इस मैच से पहले कई दिन तक ठीक से सोए तक नहीं थे। ऐसी मुश्किल कंडीशन में मैच शुरू होता है। उस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने आई। उनका एक ही उसूल था, 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं खोना है और कोई भी शॉट हवा में बिल्कुल नहीं खेलना है। पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 273 रन बनाकर पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया। सब यही सोच रहे थे कि जिस इंडियन टीम ने इस टूर्नामेंट में कभी 222 से भी ज्यादा चेज नहीं किए, वो 273 कैसे बनाएगी। अब टीम के सामने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक था। ऐसे में दादा ने कहा, 10 ओवरों में हमें विकेट नहीं खोना है, फिर बेशक रन कम बने। इसी प्लान के साथ सचिन और सहवाग ओपनिंग करने आते हैं। पहले ओवर में 9 रन बने, फिर आया दूसरा ओवर। सामने सहवाग थे और बॉल शोएब अख्तर के हाथ में थी। दूसरे ओवर में जो हुआ उसने इस मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उस ओवर में अख्तर ने सहवाग के सामने एक के बाद एक दो बाउंसर मारी और उन्हें ये कहकर चढ़ाया कि हुक तो मार के दिखा। एक बार तो सहवाग कुछ नहीं बोले, लेकिन जब अख्तर ने दोबारा यही बात कही तो सहवाग ने कह ही दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डाल, वो हुक जरूर मारेगा। अब तीसरी बॉल पर स्ट्राइक सचिन के पास थी, सामने थे शोएब अख्तर। अख्तर ने वही किया जो सहवाग ने उन्हें करने को कहा था। सचिन को बाउंसर डालने की गलती अख्तर ने की और सचिन ने अपने पंजों पर खड़े होकर उस बॉल पर छक्का मार दिया। इसी एक शॉट से अख्तर की गर्दन झुक गई और ऐसा लगने लगा कि इंडिया मैच जीत गया। स्टेडियम में बैठी पब्लिक खुशी के मारे झूम रही थी। इसके बाद इंडिया के बल्लेबाज एक एक करके आउट होकर जा रहे थे, पर सचिन दूसरी तरफ डटे रहे। अख्तर के उस ओवर में 18 रन आए थे। सचिन पाकिस्तान की बॉलिंग को तार तार कर रहे थे। उस मैच में सचिन से अख्तर इतना डर गए थे कि अपने कैप्टन के पास जाकर वे बोले, अब मैं सचिन के सामने बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा। उस मैच में सचिन ने 98 रन बनाए थे, जिससे इंडिया वो मैच 6 विकेट से जीता था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का ऑफिशियल YouTube चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो MyFM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।